भोजपुरी इंडस्ट्री में कंपेयर होना लाजमी है, लेकिन इस बार जो कंपेयर हो रहा है वो तो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, दो बड़े गाने आज रिलीज हुए हैं और दो चैनलों से। एक चैनल बड़ा है तो दूसरा चैनल छोटा है, लेकिन स्टार दोनों के सुपरस्टार हैं। तो चलिए आज आजमाते हैं और आपको बताते हैं कि किसका गाना रहा सबसे सुपरहिट। वैसे वीडियो की शुरुआत में ही हम आपसे कह देते हैं कि ये कंपेयर बेईमानी है, लेकिन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे कंपैरिजन शुरू तो हो ही चुका है। तो आपको बता दें, हम भोजपुरी जो कि एक इस्टेब्लिश चैनल है और इस चैनल पर खेसारी लाल यादव का गाना नाच की मलकिनिया रिलीज़ हो चुका है। आप सभी ने देखा होगा, गाना वाकई बहुत खूबसूरत है और इस गाने में पाखी हेगड़े, आकांक्षा दुबे सभी आपको नज़र आएंगी। लेकिन ये क्या कंपेयर करना था, तो दो बराबर वाले सॉन्ग से कंपेयर होता अगर सोशल मीडिया पर तो कुछ अच्छा लगता। दूसरी तरफ शुभ लाभ करके एक नया चैनल है जिसके सब्सक्राइबर भी हाइड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, शायद ही इसके सब्सक्राइबर लाख के ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ पर पवन सिंह का एक गाना रिलीज़ होता है, महज 5 घंटों में ये गाना 1 मिलियन क्रॉस हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस गाने का सिर्फ ऑडियो रिलीज़ होता है। जी हाँ, इसकी पुष्टि खुद पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से की है कि उनका गाना कुंवार वाला डीपी जो रिलीज़ हुआ है शुभ लाभ चैनल से, वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है 5 घंटे में। अब ऐसे में इन दोनों गानों का कंपेयर कहीं नहीं बनता, क्योंकि पवन वाला जो गाना है उसका तो ऑडियो रिलीज़ हुआ है और खेसारी वाला जो सॉन्ग है उसका वीडियो रिलीज़ हुआ है। और इस गाने की पब्लिसिटी तो बहुत ही दिनों से चल रही थी, तकरीबन 5 से 6 दिन पहले ही लोगों ने इस गाने की हाइप बनाना शुरू कर दी। और वहीं अगर आप पवन सिंह वाले गाने की बात करेंगे तो हाइप तो छोड़िए, इसका ठीक से प्रमोशन भी नहीं किया गया है। जी हाँ, रिलीज़ के ठीक एक दिन पहले ही इस गाने का प्रमोशन किया जाता है, इस गाने का ऑडियो रिलीज़ किया गया, लेकिन वीडियो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। वीडियो 2 दिन बाद रिलीज़ होगा, लेकिन फिर भी अगर लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि कंपेयर करना अभी भी यहाँ हम इस वीडियो में हमेशा कहेंगे कि गलत है, क्योंकि दो बराबर सॉन्ग का कंपेयर किया जाता है। दोनों सुपरस्टार के गाने का वीडियो रिलीज़ हुआ होता या फिर दोनों सुपरस्टार के गाने एक बहुत बड़े चैनल से निकलते, लाइक वेव, आदि शक्ति, जैसे कि हम भोजपुरी एक बड़ा चैनल है और उसी हिसाब से अगर हम भोजपुरी के टक्कर में या फिर आदि शक्ति या फिर किसी भी भोजपुरी के बड़े चैनल से ये गाना निकलता तो हम ये कह सकते थे कि ये कंपेयर एकदम सही मार्जिन में हो रहा है। लेकिन एक नया चैनल है, बस स्टारडम जो है आप यहाँ कह सकते हैं दोनों सुपरस्टार की एक जैसी है। और अगर ऐसे में आप देखने जाएंगे तो पवन सिंह के गाने ने इसलिए बाजी मारी है क्योंकि एक नए चैनल पर ऑडियो रिलीज़ हुआ है और उस ऑडियो रिलीज़ ने 5 घंटे में, वहीं खेसारी का जो सॉन्ग है उसने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बीच में 1 मिलियन क्रॉस किया है। तो इस गाने, इन दोनों गाने का आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हर लिहाज से कंपेयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसने बाजी मारी है। आपकी नज़र में किसने बाजी मारी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।